सब्सक्राइब कर लीजिए टेक्निकल वाइट चैनल को और दबा दीजिए इस बेल आइकन को भी लेटेस्ट टेक्निकल जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित और यूट्यूब के टेक्निकल वाइट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नए तकनीक के बारे में जिसमें कि साइबर क्राइम करने वाले आपके बैंक अकाउंट को आसानी से खाली कर सकते हैं। तो आप इनसे कैसे बचेंगे और ये तकनीक क्या है, आज इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट नई वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। ये जो तकनीक है जिसका नाम है स्विम स्वैपिंग, इस तकनीक के जरिए जो है साइबर क्राइम करने वाले आपके बैंक अकाउंट को बिना आपके फ़ोन का OTP को लिए बिना ही आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकते हैं। तो ये काम कैसे करता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें जो होता है, आपके सिम का एक क्लोन तैयार किया जा सकता है जिसमें कि साइबर क्राइम जो है करने वाले आपके सिम का एक क्लोन तैयार कर लेते हैं और इसमें और उसके बाद जो आप जो भी कॉल्स या आपके मैसेजेस या OTP जो भी आपके फ़ोन के उस सिम पर आने चाहिए वो जो है उस क्लोन सिम पर जाने लगता है जो कि साइबर क्राइम करने वाले बनाते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है एक फ़ोन कॉल से जिसमें कि साइबर क्राइम करने वाले आपको कॉल करते हैं और वो कहते हैं कि वो किसी टेलीकॉम कंपनी वोडा एयरटेल या किसी अन्य टेलीकॉम कंपनी से बात कर रहे हैं और वो आपसे आपका सिम का यूनिक आईडी मांगते हैं, ये कहकर कि आप वो आपके नेटवर्क स्पीड को बढ़ाएंगे या फिर आपके किसी अन्य प्रॉब्लम को दूर करेंगे। इस तरह से जो भी आपके सिम का 20 डिजिट का यूनिक आईडी लेते हैं जो कि आपके सिम के ऊपर लिखा होता है, उसके बाद वो आपको ऑथेंटिकेट करने के लिए एक प्रेस करने के लिए कहते हैं। तो जैसे ही आप 1 प्रेस करते हैं आपके सिम का डुप्लीकेट क्लोन वो तैयार कर लेते हैं। इसके बाद जो है आपका नंबर उस सिम पर एक्सचेंज हो जाता है और आपके सिम का नेटवर्क कुछ देर के लिए गायब हो जाता है। अब वो आपके उस क्लोन सिम से आपके OTP का यूज करके आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकते हैं। तो इससे बचने के लिए आप जो है अगर आपको कोई भी टेलीकॉम कंपनी से कॉल आए वो और वो आपके सिम का 20 डिजिट का यूनिक आईडी मांगे तो आपको वो नहीं देना चाहिए क्योंकि कोई भी टेलीकॉम कंपनी आपके सिम का वो यूनिक आईडी नहीं मांगती है। तो आपको जो है किसी भी टेलीकॉम कंपनी को अपने सिम का 20 डिजिट का यूनिक आईडी नहीं देना है क्योंकि इससे जो है वो आपके सिम का क्लोन तैयार कर सकता है। तो इस तरह से जो है आप अपने सिम के क्लोन को तैयार होने से बचा सकते हैं ताकि आपकी कोई भी साइबर क्राइम करने वाले आपके बैंक अकाउंट को खाली न कर दे। तो ये था सिम स्वैपिंग तकनीक के जरिए आपके बैंक अकाउंट को कोई भी साइबर क्राइम करने वाला कोई भी खाली कर सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसके बारे में जान सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।